अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन्स ऑफ एडन। आपका होस्ट मियां सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि जो मैंने बीज 20 मार्च को 21 मार्च को जो है 21 मार्च को मेरे ख्याल में हमने बीज लगाए थे और वीडियो तैयार की थी कि इंटिंडो को कैसे हमने काश्त करना है, इसकी ज़मीन कैसे तैयार करनी है और पूरी डिटेल्स में इसकी मेरी वीडियो बनी हुई है जो हमने 20 मार्च 21 मार्च को ऐसे अपलोड की थी। तो अब वो माशाल्लाह से टिंडे तैयार हो गए हैं और आज हम टिंडे उतार भी रहे हैं, आपके सामने हैं कितने खूबसूरत और बड़े प्यारे प्यारे और बड़े बड़े टिंडे उतार रहे हैं। और जो है प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत और जो है हेल्थी प्लांट है, आपको नज़र आ रहा है सरसब्ज पत्ते हैं इसके और बड़ा अच्छा प्लांट फैल गया है। तो दोस्तों, जो इस वक्त बड़े बड़े टिंडे हैं वो तो हम इस पे से उतार लेंगे और जो अभी छोटे टिंडे हैं उसको हम जो है 2-4 दिनों के बाद उतारेंगे। तो आपने जो है ना ये देख रहे हैं कि लकड़ी भी लगी हुई है इसके साथ और इसको मैंने जो है ना सारी बेलों को, इसके टिंडों को जो है लकड़ी के ऊपर मैंने साथ इसे अटैच किया हुआ है ताकि जो है ना ये जो है इसकी बेलें जो है ना नीचे ख़राब ना हो। तो आपने टिंडे भी उतारते जाने हैं साथ साथ और जो है बेलों को सेट भी कर देना। काफ़ी सारी घास भी उगी हुई है, काफ़ी दिन मैंने इनकी केयर नहीं की लेकिन जो है आज फिर मुझे काफ़ी दिनों बाद जो है ना फर्स्ट टाइम जो है सीड लगाने के बाद इनकी मैं केयर भी कर रहा हूँ और हार्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ फलों की। तो आप देख रहे हैं साथ स्टिक और भी पड़ी हैं जो मैंने लगाई थी और अब जो है आपने ऐसी बेलें उठा के जो है ना आपने इनको साथ साथ जो है ना लकड़ी के साथ अटैच कर देना। ऐसी लकड़ियाँ आपने जमा कर लेनी है और उसको जो है ना आप इसके 60 एंगल के साथ 70 एंगल के साथ दीवार के साथ आपने अटैच कर देनी है। लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको धागों के साथ अटैच कर देते हैं, दीवारों के साथ बांध देते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी कि इसको दीवारों के साथ बिल्कुल करीब ना करें क्योंकि दीवारों का इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है अच्छा खासी गर्मी है, इस वक्त मई स्टार्ट है और 40 प्लस टेम्परेचर चल रहा है तो दीवारों की हीट की वजह से जो काफ़ी सारी बेलें जल जाती हैं। तो ये आपने एक बड़ा इसका सीक्रेट होता है कि हेल्थी प्लांट की ग्रोथ के लिए आपने जो है ना ये थोड़ी दीवारों से दूर ही रखना है और ऐसे लकड़ी का इस्तेमाल करें। आप लकड़ी आप जमा कर लें और उसको जो है ना आप इस तरह हैंग कर दें, दीवार के साथ लगा दें, अटैच कर दें और बेलें जो आपकी नीचे जा रही होती हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप उनको इन दीवारों के साथ जो है लकड़ी के साथ आप अटैच करते जाएं। आप देख रहे हैं आप कितने अच्छे टिंडे, मैं 5 टिंडे उतार चुका हूँ और बाकी टिंडे भी साथ साथ ढूंढ भी रहा हूँ और जो है जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उतार भी रहा हूँ। एक बहुत अच्छा साइज़ है टिंडों का इस वक्त और जो है मैं साथ साथ इनकी केयर भी कर रहा हूँ प्लांट की। प्लांट माशाल्लाह से बहुत ही ग्रीनी और सरसब्ज प्लांट हुआ हुआ है, हालांकि इसकी केयर मैंने इतनी नहीं की, पानी दिया इसे 5-6 दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद, 6 दिनों बाद बस पानी देता रहा हूँ इससे और मैंने कोई केयर नहीं की। बस एक दिन मैंने लकड़ियाँ रख दी थी और ये जो बेलें हैं इसको थोड़ा सा सेट कर दिया था। अब मैं काफ़ी दिनों के बाद समझे कि मैंने मैक्सिमम भी इस पर एक दफ़ा सीड लगाया था और एक मरतबा लकड़ी रख ली थी तो ये सारी ग्रोथ इसकी खुद ही हो रही है। आप इस घास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी घास उगी हुई है, इसकी केयर बिल्कुल नहीं की गई। और जो है आज फिर मैं जो है साथ साथ इसकी मैंने कहा एक वीडियो भी तैयार कर लूँ कि टिंडे जो लगे हैं मैं वो उतार रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत टिंडा जो है वो बहुत ही प्यारा देसी टिंडा है, इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है इस टिंडे का। और अगर इसको मैं बात करूँ कि टाइम मैंने कब लगाया था तो पहले मैं बता चुका हूँ 20 मार्च को मैंने इसकी ज़मीन की तैयारी कराई थी। इन टिंडों के पौधों की जो सेहत और नशोनुमा से अंदाज़ा हो रहा है कि हमने इसकी ज़मीन की तैयारी बहुत ही शानदार कराई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं जो है इस पर अपनी मसरूफियत की वजह से ज़्यादा सीड नहीं लगा सका। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 8 से 10 पौधे मैंने इसके सीड लगाए होंगे और वो जो है उनमें से जो पौधे हुए हैं वो शानदार उनकी ग्रोथ हुई है और जो है उसमें इसके फल भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ये 2-3 दिनों के बाद ये भी इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे और साथ छोटे छोटे भी टिंडे लगे हुए हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि इसकी ज़मीन की तैयारी बहुत शानदार हुई है जिसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पौधों की ग्रोथ के हवाले से देखें। और फर्टिलाइज़र भी मैंने बड़ा अच्छा जो है उसने काम किया है। फर्टिलाइज़र एक ही मरतबा हमने ज़मीन की तैयारी के वक्त दिया था, उसके बाद तो हमने फर्टिलाइज़र कोई नहीं दिया
बस 5 से 6 दिनों, 7 दिनों, 8 दिनों के बाद एक एक मरतबा हम पानी देते रहे हैं ऐसे। इसकी खेलें बहुत शानदार तैयार कराई गई थी। तो दोस्तों आपने जो है इसकी वीडियो जो ज़मीन तैयारी की वो लाजमी देखनी है। अब ये देखें, मैंने काफ़ी सारी लकड़ी जो मुझे मिलती थी, मैं पौधे कटवाता था तो लकड़ी उसकी रख देता था ताकि जब भी तूरियों का जब बेलें बड़ी होंगी या इसकी टिंडों की बेलें बड़ी होंगी तो ये लकड़ी साथ साथ मैं लगाता जाऊंगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी केयर के हवाले से आपने याद रखना है कि जब ये ज़मीन पर पड़े होते हैं ना तो इसका थोड़ी सी गर्माइश हीट भी होती है, या हम दीवारों के साथ इसे हैंग कर देते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि ये बहुत जल्दी मर जाते हैं ये पौधे, ये बेलें और इसकी तूरी की, टिंडे की, टमाटर की, तो ये जल जाती होती हैं। तो इनको ऐसा देखें मैंने माहौल दिया है कि लकड़ी अटैच की है दीवारों के साथ, या आप दीवार के साथ अटैच ना करें, नीचे रख दें लकड़ी, इस तरह रखें कि जो है ना ये बेलें इसके ऊपर आ जाएं ताकि ये पानी में ना गिरे। देखिए पानी भी है नीचे मौजूद, अब जो पानी में इसका फ्रूट रहेगा वो गल जाएगा तो वो ज़ाया हो जाना है। तो अब ये जब जैसी बेलें इसके ऊपर लकड़ी पर आएंगी तो इसका फ्रूट नीचे लटका हुआ होगा। तो आपने ऐसे ही इसके जो है ना 2-4 लकड़ियां इकट्ठी कर लेनी और साथ साथ करीब करीब लगा देनी है, और बेलों को आपने इसके साथ हैंग कर देना। जितनी बेलें इसके साथ हैंग होके जाएंगी उसके फ्रूट अच्छा होगा, सेहतमंद होगा और जो है फ्रूट ज़ाया भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज वैसे इधर 5 मई है, गर्मी भी शदीद है, लेकिन पौधे पे आप देख लें कि वो बिल्कुल सरसब्ज और ग्रीनी है पौधा, उसकी ग्रोथ भी शानदार हुई हुई है और उस पर घास बेतहाशा उगा हुआ है। तो अभी मेरा कुछ दिन माली नहीं आया, तो वो जैसे माली आएगा तो वो मैं उससे ये सारी घास की सफाई करवाऊंगा और जो है फिर इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब जो है हम वैसे अगर हम बात करें तो ये टिंडे जो है ना, आप बीज लगाने के 50 से 60 दिनों में टिंडे उगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज 45 दिन हुए हैं। 45 दिनों में आप देख लें कि 5 से 6-7 जो टिंडे मैं तोड़ चुका हूँ, मेरी फैमिली भी छोटी है और मेरे लिए तो बहुत है ये। टिंडों को अगर पकाने की बात करें तो टिंडे गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, तो ये जो है 4 से 5 टिंडे एक छोटी फैमिली के लिए बहुत होते हैं, गोश्त में डालने के लिए, मीट में डालें, बीफ में डालें, चिकन में डालें, जैसे आपको पसंद हो। तो दोस्तों इसे टिंडे को इंग्लिश में एपर गार्ड भी कहते हैं, आपको पता होगा। वैसे अगर हम इसके टाइम सीड के टाइम लगाने की बात करें तो मार्च अप्रैल होता है, लेकिन अभी आप देखें अभी आपके पास टाइम है, इसे जून और जुलाई में भी हम लगा सकते हैं। तो आपने जो है ये नहीं होना कि हमने टिंडे नहीं उगाए और अब टाइम चला गया, तो आप जून आ रहा है आप जून में इसे उगा लें, मई स्टार्ट है तो मई के एंड में या जून में आप इसे लगा लें। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखें, जैसे मैंने ज़मीन तैयार कराई है आपने कोशिश करनी है ऐसे ज़मीन तैयार कराएं, तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार होगा और फ्रूट भी ज़्यादा आएगा। और जो है इस पे जो है ना अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, उनको अच्छी सब्ज़ी खिलाएं बग़ैर स्प्रे के खिलाएं बग़ैर, तो वो ऐसी सब्ज़ी जो है सेहत के लिए भी अच्छी है, आपके लिए भी अच्छी है, बीमारियों का बाइस भी नहीं बनती। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने जो है ना कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, इसको शेयर भी करें वीडियो को, और जो है और दोस्तों मेरे चैनल गार्डन्स ऑफ एडन को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिर में दोस्तों एक बात आपसे कहूँगा कि आपसे मैंने पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि हमारे पास बड़े अच्छे इसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वेजिटेबल लगाने के और फ्लावरिंग प्लांट पे, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं गार्डन को कैसे आपने सेट रखना है, लैंडस्केपिंग कैसे करनी है। मैंने आपको बताया था हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, सॉइल साइंसिस के हमारे पास बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, और जो है आप जो है हमारे तजर्बे से फ़ायदा लाजमी उठाएं। हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है इस वक्त, और जो है आप अपने पौधों की कोई बीमारी हो, पौधों में कोई इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन हमारे से कोई अगर पनीरी मंगवाना चाहें, सीड्स मंगवाना चाहें, और अगर आप जो है हमसे पौधे मंगवाना चाहें, प्लांट मंगवाना चाहें, अपनी अपने गार्डन को सेट करवाना चाहें, तो हमारे पास जो हमारा नंबर भी अवेलेबल है मैंने इधर, और हमारा पेज है गार्डन्स ऑफ एडन फेसबुक पर, उसको भी आप लाइक लाजमी कर लें, और उस पर सारी डिटेल्स भी हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।